हेलो स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ये आपका पेपर सेकंड है और पेपर सेकंड को हम इससे पिछली वाली क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने ब्रिटिशर्स के आने के बाद में जो हमारा भारतीय कालक्रम था उसमें क्या क्या कब कब घटनाएं हुई, हमने उनको ब्रीफली जाना था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवाद के उदय के पीछे क्या फैक्टर्स थे, क्या घटनाएं थी, क्या परिस्थितियां थी, उनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, राष्ट्रवाद जो है इसको बहुत शॉर्ट में अगर हम समझें तो ये होता है अपने राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव की, त्याग की, बलिदान की भावना जो है उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। अब आप कहेंगे कि देशभक्ति का मतलब ही यही होता है, तो राष्ट्रवाद जो है वो देशभक्ति का ही एक रूप है और इसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से जो एक राष्ट्र के लोग होते हैं वो अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। तो किसी राष्ट्र के लोगों का अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की, निष्ठा की, त्याग की भावना, अपनी पहचान को, अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, उसके अलग अस्तित्व को बनाए रखने की जो भावना है वो राष्ट्रवाद के अंतर्गत शामिल है। एक लैटिन शब्द होता है नेटस, उससे बना है नेशन। लैटिन शब्द नेटस से बना है नेशन और नेशन मतलब होता है राष्ट्र। तो देखिए, राष्ट्रवाद जो है ये किसी एक पर्टिकुलर किसी विशेष दिन में डेवलप नहीं होता है, बहुत समय लगता है, अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अलग अलग देशों में इसके विकास के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी रहे। हम यहाँ चर्चा करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण रहे। तो राष्ट्रवाद क्या हुआ कि एक भौगोलिक सीमा में कोई समुदाय जो रहता है उसके बीच में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उन आधारों से जो संबंधित वाद होता है वो राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कि भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आधारों से संबंधित होता है। तो जो 19वीं सदी थी इसका जो लास्ट के जो 25 साल थे उनमें राष्ट्रवाद की जो भावना थी बहुत तीव्रता से पनपी। हालांकि यह 1850 के बाद में ही इसका एक तरीके से उद्भव हो गया था, लेकिन धीरे धीरे और स्पेशली जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब जन्म हुआ तो उसके बाद में यह इतना व्यापक हो गया कि इसने एक आंदोलन का रूप लिया। और देखिए कि ये आंदोलन का रूप लेकर के इसने किस प्रकार से सालों से चली आ रही ब्रिटिश सत्ता का अंत कर दिया। तो उस समय भारत को क्या था कि एक राष्ट्र के रूप में पहचान बनानी थी। इससे पहले प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस तरह की कोई जागरूकता या जागृति विद्यमान नहीं थी। अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग नस्ल के लोग यहाँ रहते थे, अलग अलग क्षेत्रों से वो संबंधित थे, लेकिन इस चीज़ का एहसास
उनमें उस वक्त नहीं था कि वो एक भारतीय हैं, यानी भारतीय पहले हैं और बाद में क्षेत्र या अन्य फैक्टर्स बाद में हैं। तो जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में घटनाएं हुई, इसने लोगों के मन में एहसास जगाया कि हम पहले भारतीय हैं, और यही विचार हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बना। यही बदलाव हमारे भारतीय राष्ट्रवाद की का एक मजबूत आधार बना। तो आइए समझते हैं उन कारकों को। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव जो था वो किस प्रकार से राष्ट्रवाद के उदय में एक सहायक तत्व रहा। देखिए, भारत में जैसे कि आप जानते हैं भारत जो था वो एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब ब्रिटिशर्स आए तो जो हमारा धन, हमारे जो संसाधन थे, हमारा जो कच्चा माल था, वो सब ब्रिटेन जाता था, और यहाँ उद्योग धंधों का, कुटीर उद्योगों का, कृषि का तेज़ी से पतन हो रहा था। कोई बचत नहीं, कोई निवेश नहीं, कोई विकास नहीं। तो मध्यम वर्ग जो था, जब ये जागरूक हुआ तब उन्होंने समझा, शिक्षित होने के बाद में, कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जो नीतियां हैं, जो उन्होंने खुद के फ़ायदे के लिए बनाई थी, वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी कि कैसे वो योजनाबद्ध तरीके से, कैसे वो चतुरता के साथ में हमारे देश के संसाधनों को लूट रहे हैं। तो उस टाइम इंग्लैंड जो था वो तो तेज़ी से तरक्की कर रहा था, और जो भारत था उसका पतन हो रहा था। तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने धन का निष्कासन एक सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के द्वारा ये कहा गया कि जो भारत का आर्थिक पतन हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ब्रिटिश राज। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो अतिरिक्त धन है वो ब्रिटेन जा रहा है, तो यहाँ की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो रही है। तो ये था ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, जिसने कि राष्ट्रवाद के उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार से है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, ये 18वीं सदी से ही शुरू हो गए थे। इन्हें धर्म सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। बड़े बड़े महापुरुष, आपने नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अनेक संस्थाओं की इनके द्वारा स्थापना की गई, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो ये जो सुधार आंदोलन थे, इससे भारतीयों को कई लाभ हुआ। जैसे पश्चिमी जो देश थे, जैसे कि हम फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके पीछे कौन सा नारा प्रेरक तत्व बना था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना थी, इस नारे ने भारतीय जनमानस को भी झकझोरा, जगाया, उनको प्रेरणा प्रदान की। भारतीयों को लगा कि हम तो सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, अशिक्षा हैं, उन्हीं में उलझे हुए हैं, उन्हीं की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो इससे हमारी जो प्रगति है वो बिल्कुल रुकी हुई है, अवरुद्ध है। इसी प्रकार से इन सुधार आंदोलनों से एक नया तबका
उत्पन्न हुआ मध्यम वर्ग, तो उसने उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को जोड़ने का काम किया। अब अंग्रेज जो थे वो तो जो पॉलिसीज़ बनाते थे वो अपने फ़ायदे के लिए बनाते थे, तो अंग्रेजी शिक्षा का जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया था वो अपने फ़ायदे के लिए किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए इसको इसका हमें लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ तो उसके माध्यम से क्या हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े, इसी प्रकार से जो भारत का समाज था उस वक्त जो एक गतिहीन समाज के रूप में आ गया था कि जो परंपरागत रूढ़ियाँ थी मान्यताएँ थी उन्हीं को हम फॉलो करते हुए आ रहे थे, उन रूढ़िवादी प्रथाओं को त्यागने पर इन सुधार आंदोलनों ने मजबूर किया। अलग अलग क्षेत्र के जो लोग थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग जातियों के जो लोग थे वो आपस में मिलने लगे, ठीक है, लोग एक अपनी सीमाओं से बाहर निकलने लगे। जैसे बंगाल का नाग व्यक्ति है वो पंजाब के व्यक्ति से मिल रहा है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, तो ये भी क्या है राष्ट्रवाद के उदय में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बना। तो आपस में मिलते तो वो समस्याओं के बारे में विचार करते, जिस प्रकार से ब्रिटिशर शोषण कर रहे थे उसके बारे में विचार करते, आगे क्या किया जा सकता है भविष्य में इसके अंत के लिए उसके बारे में विचार करते, तो इससे जागृत हुए लोगों में प्रेरणा की भावना आई, लोगों में जागृति आई। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि जैसे उस वक्त हमारा जो भारतीय समाज था ये जातिवाद से बहुत ज़्यादा ग्रसित था, तो जैसे कि रेल आवागमन के साधनों में आई, तो रेल में जब लोग सफ़र करते थे तो उसमें उच्च जाति निम्न जाति सब एक ही स्थान पर बैठ करके इन आवागमन के साधनों का प्रयोग करना है, तो इससे लोगों में समानता की भावना आई। देश के प्रति वफादारी की भावना, अपनी मातृभूमि के प्रति त्याग की भावना, इसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों जो थे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति की अगर हम बात करें देखिए, जैसे नई भाषा सीखी जाती है तो हम उस भाषा की साहित्य का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रेंच भाषा सीखूं तो मैं चाहूंगी कि मैं फ्रेंच लिटरेचर का अध्ययन करूं, यानी कि फ्रांसीसी साहित्य का अध्ययन करूं, तो जब मैं उस साहित्य का अध्ययन करूंगी तो मैं जानूंगी कि फ्रांस में फ्रांस का क्या इतिहास रहा है। तो उसी प्रकार से जैसे अंग्रेजी शिक्षा लोगों ने जैसे से प्राप्त की तो वो अनेक जो पाश्चात्य विचारक थे जो विद्वान थे उनके विचारों को लोगों को जानने का मौका मिला, वोल्टेयर, बेंथम, रूसो। इसके माध्यम से एक नया तबका आया, एक नया वर्ग आया जो कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा प्रगतिशील था। फिर शिक्षित होने के बाद में इन्होंने अपने स्तर पे अलग अलग संस्थाओं की स्थापना की। अब देखिए, अंग्रेजों ने तो अपने साम्राज्यवादी हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया था, न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया था, परिवहन के जो आधुनिक साधन थे वो लेकर के आए थे, लेकिन इससे हम लोगों को भी फ़ायदा हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों के जातियों के धर्मों के लोग एक दूसरे के करीब आए। तो ये जो पश्चिमी शिक्षा का संस्कृति का जो प्रभाव था वो इस प्रकार से रहा। समाचार पत्रों का, प्रेस का योगदान, जो मीडिया है, साहित्य है, इन्होंने लोगों में देश प्रेम की भावना को जगाया, राष्ट्रीयता की भावना को पैदा किया। जैसे कि संवाद कौमुदी है, मिरातुल अखबार है, बहुत सारे उस टाइम जो पत्र पत्रिकाएं
प्रचलित थी, उन्होंने लोगों में राजनीतिक रूप से उनको जागृत करने का कार्य किया, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक है, उनकी केसरी, मराठा, ठीक है, तो इन समाचार पत्रों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो हमारे चिंतक थे, भारतीय चिंतक, विचारक, उनको हमें जानने का मौका मिला, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इत्यादि। आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, इन्होंने आनंद मठ लिखी थी और उस आनंद मठ में एक गाना था वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत बना, और हमें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार से ये था राष्ट्रीय साहित्य का योगदान। प्रशासन, न्यायपालिका, परिवहन के आधुनिक साधन, इनका भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान था। ये जो तीव्र परिवहन के संचार के साधन थे, चाहे वो डाक, तार हो, रेल हो, इनका जो जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे भारत में राष्ट्रवाद की जड़ें भी मजबूत हुई। फिर अंग्रेज़ों के द्वारा भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही थी, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में अध्ययन किया कि लॉर्ड लिटन थे, उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर के आए, आर्म्स एक्ट लेकर के आए, तो लोगों इसके प्रति लोगों में विद्रोह की भावना पनपी। अंग्रेज क्या करते थे कि जो, चाहे सेना की बात करें, चाहे उद्योगों की बात करें, या सरकारी नौकरियों की बात करें, तो वो उनमें ब्रिटिशर्स को ही प्रमुखता देते थे, ब्रिटिश लोगों को प्रमुखता देते थे, और जो भारतीय थे उनके प्रति एक तरीके से एक भेदभावपूर्ण नीति अपनाते थे। बहुत कम सीटें रिक्त रखी जाती थी उनके लिए, या यूं कहा जाए ना के बराबर। तो इन घटनाओं ने भी राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इसके अलावा 1857 की क्रांति, एक तरीके से देखा जाए तो भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो 1857 की क्रांति से ही हो गया था। देश में अकाल की स्थिति थी, सूखे की स्थिति थी, कुटीर उद्योगों का पतन हो रहा था, ये सारे जो फैक्टर्स थे इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ प्रवृत्त किया। और सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रवाद उभर करके आया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जब 1885 में गठन हुआ था, उसके बाद में हमें एक मंच मिला, भारतीय जनता जो थी उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके माध्यम से वो अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को साझा कर सकती थी। तो इस प्रकार से ये कुछ कारक थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। हो सकता है कुछ कारक ऐसे भी रहे हों जिनकी चर्चा ना हो पाई हो, तो उनकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।